वहीं दिल्ली में पटाखे जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पटाखे जलाने का पहला मामला गाजीपुर थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस ने दमनदीप नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में उसे थाने से ही जमानत दे दी गई। दमनदीप के पड़ोसी दीनबंधु ने शिकायत की थी, जिसके बाद सरकारी आदेश के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। ये जमानती धारा है। बच्चे स्कूल से आए उस समय, फिर रात में हस्बैंड आए, दोनों मिलके सब मिलके और स्टेयर्स के पास फेंक रहे हैं। स्टेयर्स के पास मेरी आउटडोर यूनिट है, MCB की स्विच है, वहाँ पे पटाखे जला रहे हैं। अगर चिंगारी लगी तो फिर क्या होगा। गाजीपुर के अलावा वेस्ट दिल्ली में पुलिस ने 3 जिलों में कार्रवाई की है, जिसमें 1200 किलो से ज्यादा पटाखे बरामद किए गए हैं। वेस्ट दिल्ली पुलिस ने इसमें भी एक मुहिम चलाई है। अभी तक हम 1000 किलो से ज्यादा पटाखे पकड़ चुके हैं। मेन पुलिस स्टेशन इसमें ख्याला, राजौरी गार्डन और तिलक नगर के रहे हैं। इन सब पुलिस स्टेशन एरियाज में हमने काफी मात्रा में पटाखे बरामद किए। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर रात 8 से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है।